अरे बोला क्या? अरे यार देख रहा हूँ, बंदा देख नहीं रहा, बता कैसा बंदा? लैपटॉप ले रखा? हाँ भाई, आ जाओ भाई, मिल गए भाई, मिल गए। ये देना, पेमेंट वही करेंगे। ठीक, पहुँच लो मैडम। ये तो फ्लोर पे आ जाना है ना, फ्लोर वाला आपने थोड़ी पार्सल बुकिंग की है। हाँ तो पार्सल तो है, बट आपने इसमें जो कर रखा है ना, रोड साइड पार्सल कर रखा है, डोर टू डोर नहीं कर रखा आपने। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई सुबह सुबह हमने उठा लिया है 230 रुपए की ओला में थोक बिहार के लिए। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब कस्टमर तो हमारे कॉलोनी के बाहर ही खड़े हैं, कहाँ खड़ा ये नहीं पता। आ गया अमित नागर। हेलो भाई, आप कहाँ हो? मैं तो कोटला फेस वन के आगे खड़ा हूँ। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। लाइन पे रहना है, बस लाइन पे काट दिया। तो मीटर रीडिंग है भाई 467। अरे यहीं से निकल लेता तो बढ़िया रहता। अरे कहाँ को मार दिया। और टाइम हो रहा है अपना 8:53, मतलब 9 मान लो अप्रॉक्स। बस आ गए भाई आ गए। वोटर तो बंद करते हैं फिर, नहीं तो दिक्कत हो जाए। जमा कहाँ भाई, बरमपुरी का बोर्ड तो लगा हुआ है, बंदा कहाँ? अरे ऊपर का ओला है, कौन है, किधर है, बता। बगल में है यार बंदा। ओला क्या क्या फोन उठाया तब तो पता चले। अरे ओला क्या? अरे यार देख रहा हूँ, बंदा देख नहीं रहा, बता कैसा बंदा। आ जाओ भाई, कहाँ गया ओला? सुबह जी थी क्या बताए? बैठो। 27 किलोमीटर, 1 घंटा 2 मिनट लगता है ट्रैफिक है भाई साहब वहाँ पर। नहीं दबा दे, सही घुमा। अरे यार ये भी निकल गया, बताओ ये सोच रहा था मुड़ क्यों नहीं रहा है सारा। दो बार कंप्लीट टू राइड, ऑनलाइन पेड है। अरे यार ऑनलाइन से है तो ये तो अब नहीं बजेंगे। 230, 9:54। अब यहाँ देखो लग भाई चांस है, जैसे कि बताया था दोस्तों, यहाँ उद्योग बिहार आओ, खाली ना जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हट के सभी अंडे उबाल रहे हैं। 1 घंटा हो गया मुझे ना बैठे बैठे, 11 बज गए। एक भी जिसे कहते हैं ना बजना, वो नहीं बजा। एक बजा था पोर्टर में 224 के लिए 70 सेक्टर, लास्ट रेट पे उड़ा लिया किसी भाई ने, अपना तो हाथ ही नहीं आया। प्राइमरी पार्टनर नहीं है ना, अरे सब कट्टी है, प्राइमरी पार्टनर वगैरह सब कुछ भी पास है। जो पोटो पोटो करता है ना खाली, वो तो भाई उसके लिए तो लड़ेगा, वो इसलिए जी जान लगा देगा। बट यही है ना, यहाँ से धीरे भर रहा हूँ, कापा चढ़ा बोल रहा हूँ कि साइड पेट्रोल पंप चलवा लूँ, क्योंकि वहीं पेट्रोल पंप है। इधर तो कहीं पेट्रोल पंप है नहीं, या फिर जो बिहार के अंदर है DLF के साइड देखूँगा, मिलेगा तो आपको अपडेट करता हूँ। बाकी तो चल ही रहे हैं धीरे धीरे, कम 5-6 किलोमीटर होगा यहाँ से कापा चढ़ा बॉर्डर। दिमाग खराब हो गया यार, हम इस उम्मीद से आते हैं कि चलो यार गुड़गांव है। अब भाई साहब बिल्कुल बताना, अगर 8-7 बजे आ गए ना तो मिल जाएगी दिल्ली की भाई, क्योंकि यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी तो होती है ना, नाइट शिफ्ट में लोग जाते हैं भाई दिल्ली। ठीक है, जैसे उस दिन मैं 8 बजे मोतीनगर लेके गया था भाई को, 8 बजे तो लेके गया था, नाइट शिफ्ट करी थी उसने, वही कह रहा हूँ। अगर भाई आओगे तो सवेरे आओगे तो भाई 7-8 के बीच आना तो मिल जाएगा, या फिर शाम में ही मिलेगा भाई 4 बजे के बाद, दिल्ली की छुट्टी टाइम आउट टाइम, 3 टाइम तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बाकी देखते हैं क्या होता है।
तो भाई दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि कापस वाला बोर्ड डलवाऊंगा, पेट्रोल डलवाऊंगा, और पेट्रोल डलवा लिया भाई। और डलवाने के साथ ही भाई नेहरू प्लेस के लिए बचिए। अब बस मुझे ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा नेहरू प्लेस है, गुड़गांव वाला या दिल्ली वाला, क्योंकि भाई टू कॉपी है पूरी, देखना पड़ेगा ना। है तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का दिखा रहा है, अब OTP डालने के बाद ही पता चलेगा। टाइम और अपना 11:15 मिलते हैं फिर। ले भाई आ गए लोकेशन पे, बंदा कहाँ है? अरे तो लोकेशन कबीर नाम है इसका, कॉल करते हैं। 11:18 भाई, रेपिडो क्या था? लोकेशन पे खड़ा हूँ, मार्केट वाली गली है, बंद करो भाई। वैसे तो पता नहीं, एक माने सर का भी बजा था, वो भी हाथ नहीं आया, पता नहीं हाथ नहीं आएगा कोई भी चीज। ये सब सेट वाला तो नहीं है? हाँ मुझे देखता रहा, तो 110% शायद, मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होगा नहीं होगा। किधर है ये साहब? ये लो भाई, 73076704। चलो भाई, एक टांग देख लेना, 1:13 दिखा रहा, 28 किलोमीटर यहीं से ले लेता ना सीधा। चलो जी मिलते हैं फिर दोस्तों, दिल्ली वाला ही है। चाचिल अंदर ही है, ये देखो ना बीच का ही लोकेशन है ना अंदर की तरफ। अब अंदर कहाँ से जाऊँगा मैं, गर्मी आपका होता है 251 हो गया, ठीक ओके थैंक यू भाई। 251 का कलेक्शन देखो कितना देता है, इतनी गर्मी में हाल बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है, फ़ोन हीट हो जाता है। 219 12:43 फोन देखो, अरे वो झूठ हो गया, क्या रेट दिया यार, क्या रेट दे दिया भाई, 219 7 7 24 27 28 किलोमीटर दिखाया था, 7.5 के हिसाब से 27.5 7.5 का है यार। चलो देखते हैं अगला अपडेट क्या होता है हमारा। तो दोस्तों भाई 12:51 हमें मिल चुका है ऊबर में ही, जहाँ से हम आए थे उद्योग विहार 19 से, और हमें जाना है उद्योग विहार 20। पार्सल एक्सेप्ट किया है, मैप खुलने में इतना टाइम ले रहा है क्योंकि फ़ोन हीट हो चुका है, तो भाई कुछ दिखेगा ही नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम को आराम होने में। पार्सल है, देखो क्या चीज़ है क्या नहीं पार्सल है, लेते हैं पार्सल फिर बात करते हैं, पहले फ़ोन भी तो ठीक हो जाए, कितने देर में ठीक होता है। तो लो भाई पिकअप लोकेशन पर पहुँच गए हैं ऊबर के पार्सल वाले पे, देखते हैं कब कब मिलता है, मतलब मिलता। अब भाई वो आ जाए भाई, फ़ोन लग जाए बड़ी बड़ी बात है। हाँ सर ऊबर क्या था? हाँ लोकेशन पे हूँ आपके। हेलो, हाँ जी बगल में खड़ा है, कहाँ खड़ा है? हाँ ठीक, ब्लैक कलर की, पता नहीं तो तू कहीं दिख नहीं रहा, ब्लैक कलर की शर्ट में। लैपटॉप ले रखा? हाँ भाई आ जाओ भाई, मिल गए भाई मिल गए, दे देना पेमेंट वही करेंगे, ठीक पहुँच दो, एक मिनट पकड़ना, एक मिनट पकड़ना भाई, आते भी तो डर गया,
लो उद्योग विहार सेक्टर 20 ना। पैसे कितने हुए हैं? वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा, वो ही देगा ना। हाँ। वही देगा तो फिर वहीं पे पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलता कितने हुए। नहीं ऐसे नहीं पता चलता, जब हम जब हम ड्रॉप करेंगे ना तब हमको पता चलेगा। हाँ पैकेज वाले में किया ना। ठीक है ओके चलो भाई। यही है क्या 25 किलोमीटर इधर से कितना कुछ बना होते हुए 24 किलोमीटर। बहुत रेट कम है भाई, 50 मिनट दिखा रहा है 25 किलोमीटर। मिलते हैं फिर क्या करेंगे, कुछ ही तो कुछ बोले। तो मेरे दोस्तों भाइयों आ गया प्लॉट नंबर 239 उद्योग विहार फेस वन। इसने कहा से फेस थ्री दे रखा क्या, ऐसे कुछ नहीं है। और ये है मीटर रोड साइड एट पिन दे रखा। और भाई आते आते भी 1:43 का बज रहा है पार्सल, लेके तो रखा है, मतलब कि इसको डिलीवरी डन करने के बाद पता चलेगा कि कहाँ से उठाना है। धूप इतनी तेज हो रही है, भूख भी लग रही है। एक जगह मैं उठा तो था, प्रॉब्लम थी बस वहाँ खाने का इंतजाम नहीं था यार, फोन बचाने के लिए पेट गर्म करना पड़ रहा भाई। आ जाओ भाई पेट भूख, पेट जल गया। दिखाओ ये है विकास, फोन नहीं गर्म होना चाहिए, फोन गर्म हो गया ना टाइम लगेगा। अगला कहाँ है, विकास भी यहीं पे है। ओके थैंक यू, अगला भी यहीं पे भाई, ज़्यादा दूर भी नहीं है। वाह भाई वाह, अरे यहीं पे तो हूँ, कहाँ पे हो, फोन ही कर लेता हूँ मैं। कहाँ, हाँ उसी के अंदर था, बोलो उसी के अंदर है। मेरे को तो लैपटॉप वाला देख लो, उसमें ही होगा है ना। हाँ किधर है, इधर है उधर है, सही जा रहा हूँ। अरे लोकेशन तो सही जा रहा हूँ, विकास 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 आ गया। विकास 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 दो भाई, स्टार्ट टू ठीक है, राइट कहाँ की है, पिन बता दो। 4638 आ जाओ, ये लो हेलमेट। मैं तो सोचा पार्सल है, बट ठीक है राइड भी है तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा अपना। अरे आ जा ना, हाँ दीदी बैठो भाई, बैठो बैठो। क्या हो गया, कैमरा कैमरा ये पता है भाई, वहाँ बंदों को संग से डिलीवरी कर दूंगा, देख लेना। इधर ही चलो, मैं यहीं से पार्सल दे रहा था इसे। हाँ मेरा लोकेशन नहीं दिख रहा था, मैंने उनको डिलीवरी किया, मगर ये तो ये यार बगल में ही है। मैं कहा चलो बढ़िया, 18 किलोमीटर 1 घंटा। अरे भाई साहब लगता है जाम है, लंबा जाम लग रहा है भाई साहब, आज तो हर जगह जाम लग रहा है भाई। आधा घंटा हो गया इधर खड़े खड़े, जाम ही जाम पे, जाम ही जाम पे, जितना बचाने की कोशिश करी पंप पे लग गए, पूरा जाम है। हमारा बस आ गया वैन से सीधा सीधा, चलो फाइनली भाई आधे घंटे बाद। सबर रख ले भाई, सबर नाम की चीज नहीं है। चलो भाई फाइनली
दिल को तसल्ली मिली जाम में हट के। 149 सोचा था मैंने तो भाई कि पार्सल है, मगर विकास तो विकास पार्सल की जगह निकला। 149 का दिया 139, मतलब 10 रुपये काटे, 328 रुपये हो गए काम हमारा। अब आ चुके हैं एम्स, देखेंगे यहाँ हमारा क्या बिगड़ता है, बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता। तो भाई देखो, यूटर लेते ही हमें मिल गया है करोलबाग के लिए। 2 मिनट का रास्ता है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 90 रुपये अमाउंट दिखाए भाई उसमें, तो 90 रुपये के अमाउंट के हिसाब से 13-14 किलोमीटर होगा, रेट की तो नहीं लगी हुई है। आए गए ऑलमोस्ट कस्टमर के पास, भूख लगी है बड़े जोरों से, मगर यार ये खाने नहीं दे रहा मुझे। कोई बच जाता बढ़िया तो, मगर टाइम है यार, कैसे मीटर मौके लग जाते तो फिर मीटर नहीं खींच पाता है। ये आ गया हमारे मीटर साइड एंड डेस्टिनी द लेफ्ट 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 लेफ्ट। अच्छा भाई कोई ना भाई, उबर सरोजिनी नगर कौन जाएगा, क्या नाम है सेंगार। तो भाई पिन 7966। बैठो 34 किलोमीटर, 34 मिनट दिखा रहा, 11 किलोमीटर पैर देख लेने को। चलो दोस्तों बाइक को करो बाग छोड़ते हैं, आ गए भाई करो बाग 95। ओके थैंक यू करो बाग मार्केट। अरे यार पैकेज बच रहा है, बोला नहीं नहीं छोटा नहीं चाहिए बड़ा देखिए, 58 रुपये का। 90 का तो लाया हूँ, 60 मुझे कितना मिला 93 का 86। 3:20 भैया झांगरपुरी कौन जाएगा, झांगरपुरी लफड़ेबाजी है यहाँ, पोर्टर ऑन करने का मतलब समझते। चलो देखते हैं क्या पर अपडेट होगा, ख़त्म ही हो जाएंगे। तो दोस्तों भाई 3:27 एक पंजाबी बाकी नहीं बजा, 84 रुपये का। अभी मोती नगर बज रहा, तो मैंने उबर में एक्सेप्ट कर लिया भाई, इधर तो फालतू के उधर से उधर पोर्टर ऑन करना बेकार है। ज़्यादा देरी ना करते हुए कस्टमर के पास पहुँचते हैं, गलियों में चलते चलते सुबह से शाम हो जाएगी। वो कितनी तगड़ी लगी है ना मेरे को, अब पोर्टर कहाँ, उबर गया ना, मैं उबर गया ना, तो राइट करी है भाई दोनों। हाँ ये इसीलिए भाई, राइट पे तो अलग रेट होता भाई। कोई नहीं, 88 बन रहे 100 रुपये भाई, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिलता, 10 रुपये किलोमीटर में 2 किलोमीटर बैठता। अरे भाई वो काटेगा ना भाई, वो पूरे काटेगा भी, तो ऐसे थोड़ी है कि छोड़ देगा मेरे को। उबेर में काटता है नहीं, हमें तो छोड़ देता है जैसे। भाई देखो 88 बन रहे हैं यहाँ से, 9.25 किलोमीटर 120 रुपये लूंगा, मेरी मर्जी, कैंसिल कर दो, कर दो कैंसिल। या फिर इसको कैंसिल करके जो पार्सल बन रहा वो करो, वही ले जाऊंगा, चाहे 100 बने चाहे 90 बने चाहे 80 बने। पार्सल पे भी आता है? हाँ पार्सल आता है, तुम्हारे पास बचेगी? मेरे पास ही बचेगी, टेंशन है। ये रहा पार्सल, पार्सल के 77 बन रहे हैं, उसी में तुम्हारा फायदा हो रहा है यार, देख क्या
कितने? तुम्हें गलत चीज कह रहा हूं। कोई बात नहीं यार, तुम पार्सल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पार्सल करो, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ। बंदा आ जाएगा ना, कहाँ? हॉस्पिटल में। बाकी लोकेशन लेता नहीं है, मैं बता देता हूँ। हॉस्पिटल पड़ेगा इस हाथ पे, हॉस्पिटल से ही 3 कोठी आगे, 6/6 67 नंबर। उसे यार उसे लोकेशन मंगा लेता, लोकेशन की जरूरत ही नहीं है ना। जहाँ हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल से बस एक हॉस्पिटल के बराबर में गेट है, गेट छोड़ना, दूसरी तीसरी चौथी कोठी हमारी, यहाँ से लाइन। यह हॉस्पिटल के चौथी मकान दूसरी का है। हाँ हमारा ही है, मुझे फोन कर ले। लो ना, कैसे ऑनलाइन चल रहा है मुझे बता देना। फिर बार कोड की फोटो कैसे? हाँ अपना नंबर भी बता दो। वहाँ पे बंदा उठा लेगा ना फोन। अरे दादा मैं खुद हूँ, बंदा खुद सामान लेने आएगा, आप मुझे नंबर भी बताओ ना अपना। बढ़िया, अनिश नंबर है 67, आनंदम लिखा होगा, ठीक है 67 ना, ठीक। पार्सल में ज्यादा बन जाते हैं क्या? पार्सल में तुम्हारा फायदा होता भाई। देखो पार्सल करने से क्या होता है, अगर कल को ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्या फायदा होता है? कल को ये तुम्हारा बंदा, अगर तुमने राइड की है, मान लो कोई सनकी बंदा आया या कुछ ऐसा बंदा आया, दो नंबर का बंदा आया, तुमने उसका पेंट दिया, वो लेकर भाग जाएगा, वहाँ डन कर देगा, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। उसने कंप्लीट कर दिया, तुमने कंप्लेन भी कर दी ना, तो सीधा कस्टमर केयर से पूछेगा तुमसे कि आपने राइड करी है पार्सल करा है। अगर आपने बोला राइड करी, तो सर आप वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने राइड पे पैसा, वो आपकी जिम्मेदारी। पार्सल भेजा होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती कंपनी। चलो गोद में बच्चा ले लिया, पार्सल ही ले लिया, कोई बात नहीं भाई, पार्सल ही कर, 70-80 बन रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। 6.2 27 मिनट दिखा रहा है यहाँ से भाई, चल दौड़ा जाम। ओ चल जो जिदेगी आज तो हर जगह ही जाम 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 जाम। तो भाई पार्सल हमारा डन हो गया, यहाँ दे दिया है और 88 रुपये बने, लंबे कर दिए भाई ने। और हमें ये कितना देता है, 10 रुपये कैंसिलेशन के मेरे, 78 रुपये मेरे भाई, 78 10 88 रुपये हो गया, ठीक है भाई। 503 का तो हो गया ऊबर में, अब देखते हैं हमें कब मिलता, क्या मिलता, कैसे मिलता भाई। टाइम हो चुका अपना 4 बज गए पूरे दोस्तों। जनकपुरी की भजिया 65 रुपये की है, इसे भी क्यों छोड़े, 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस कम होना चाहिए ना हमारा, तो फटाफट से कस्टमर के पास पहुंचते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी से 5 मिनट दिखा रहा, अब घर का रास्ता ना पाएंगे हम। लोकेशन बता दें, सन्नी वर्मा, कौन है सन्नी वर्मा, कॉल ही कर लेते हैं। हेलो, हाँ भाई उबर किया था। हाँ तो लोकेशन पे हूँ, कहाँ पे हो आप? इधर है। हेलो क्या, आइए ऐसे इसी वाले पे खड़ा हूँ। लो रुक गया, लोकेशन इसका आगे दिखा रहा है, कह रहा पीछे है। आ गया ऊपर, वो आगे दिख रहे हो, पिन बता दो 1164। चलो 1 मिनट टांग देख लेना, 5 किलोमीटर 20 मिनट 34 रुपये, धन्यवाद। हो गया पेमेंट, हो गया स्टार, देखते हैं 34 का मैं कितना दिया। जनकपुरी, अरे बोले 63 रुपये दिया भाई, 34 का 63, टाइम 4:30। पिछवाड़ा दर्द हो गया, अरे बाप रे बाप, बड़ी तकलीफदायक होती है यार पैसा कमाना, आसान नहीं होता। अब यहाँ से एक रूट और देखेंगे घर का, मिले तो वेट करते हैं, थोड़ी देर तक वेट ही करते हैं।
तो मेरे भाइयों रख ली एक्सटेंशन मेरे घर के नजदीक और मतलब वहां से करीब घर पड़ेगा मेरा 4-5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और ऊबर वही मिला भाई हमें, पार्सल एक्सेप्ट किया है, लिया नहीं है अभी पार्सल, अभी हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, बस रास्ते पे ही है, देखते हैं पार्सल क्या है। बल्कि मैं 1.5 किलोमीटर पीछे आया, अब ये नहीं मिलेगा पार्सल तो मैं यहीं से चला जाऊँगा, पता नहीं है कि नहीं है। सर ऊबर क्या था क्या पार्सल, कोई नकली चक्रवर्ती पार्सल जाना है यहाँ से कोई, यही क्या दे रखा है सपना मेडिकल का नाम क्या है? दीपिका अंदर है। अच्छा अंदर है क्या, नाम कहीं किसी का, नाम किसी का। हाँ मैडम ऊबर किया था, सेकंड फ्लोर पे कहाँ से आ जाऊँ, इधर से। अब मैडम मैं तो ये सपना मेडिकल वाले पे खड़ा हूँ, थर्टी 33 ब्लैक कलर का, हाँ है। मैडम ये तो फ्लोर पे आ जाना है ना, फ्लोर वाला आपने थोड़ी पार्सल बुकिंग की है। हाँ तो पार्सल तो है बट आपने इसमें जो कर रखा ना रोड साइड पार्सल कर रखा है, डोर टू डोर नहीं कर रखा आपने, नहीं आना तो आप कैंसिल कर दो मैडम, कोई बात नहीं मैडम। आप पहले पहली बात तो आप अगर आप डोर टू डोर करते तो मैं डेफिनेटली आपके पास आता, आप रोड साइड कर रहे हो। अरे मैडम डेली करते होगे, उनको नहीं पता होगा कि डोर टू डोर और रोड साइड डिलीवरी क्या होता है। हाँ तो आप कैंसिल कर दो, कर दो कंप्लेन, आप बोलो खुद, आपकी खुद कंप्लेन होगी, बोलो करो आप क्या बोलोगे। हाँ भाई आपकी खुद कंप्लेन होगी, लोअर पे जाओ रोड साइड बोल के फ्लोर पे बुलाते हो, बेशक घर जाना हो कोई बात नहीं, वेटिंग टाइम है थोड़ा, देख रहे हैं वेटिंग टाइम करके लेते हैं मैडम से। देखो कभी भी मीट एट द रोड साइड, मतलब कि आपको जो पार्सल मिलेगा वो रोड साइड मतलब रोड की तरफ से ही मिलेगा, आपको ऊपर नहीं जाना। हाँ अगर इसमें लिखा हो मीट एट डोर तो डोर टू डोर सर्विस होती है तो उसका रेट अलग होता है और इसका रेट अलग होता है। अब देख लो भाई मेरा वेटिंग टाइम हो गया पूरा, 2:02 एक्स्ट्रा ही हुआ, बल्कि 5 मिनट से 2 मिनट मतलब 7 मिनट हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ इसको कैंसिल करने, ओवरसाइज थिंग यस कैंसिल। अब ये मुझे कितना देता है, कुछ देता है कि नहीं देखते हैं, पर ध्यान रखना यार इतनी भी गर्जी नहीं है। तो फर्स्ट फ्लोर होता ना मैं मान भी लेता, देखा 25 रुपये मिल गए, बाहर में जाओ अब तुम्हारे कटेंगे 25 रुपये। कहती भैया मैं तो रोज करती हूँ, रोज करने वाले को ये नहीं पता होगा भाई हमारे इतने राइडर भाई इतने ध्यानपूर्वक नहीं करते ना काम, इतने होते तो फिर बातें लगती भाई, कहीं गए नहीं 25 रुपये ले लिए, जो 25 रुपये कटने थे आज वो 25 रुपये बराबर कर लिए। काट पीट के मैं जाता तो मुझे कितना मिलता, 75 या 80 रुपये, कोई बात नहीं 50 रुपये हमने फ्री में डाल दे दिया। भाई समझा करो यार, तुम समझते क्यों नहीं यार, बिल्कुल भी यार रोड साइड देख लिया करो, रोड साइड लिखा होता है और डोर टू डोर लिखा होता है। अगर कोई रोड साइड वाला भेजता है ना बंदा तो बोलो भाई ऐसा कर तुम रोड पे है तेरा, रोड साइड तुमने बुकिंग करी है उसका रेट अलग होता है। अब ये उत्तम नगर बजरा, समझदार हो यार, क्यों बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो, समझदारी से कमाओगे तो एक्स्ट्रा कमाओगे, गदापंथी कमाओगे तो दिन बाद ऐसे ही, जैसे अब मैं जैसे कमा रहा हूँ सुबह से खाना नहीं खाया मैंने तो ये गदापंथी हो गई ना, कुछ मिले ही नहीं हमें। बाकी मेरी गलतियों से अगर आप नहीं सीखते हो तो फिर आप कुछ कह नहीं सकता, मैं तो सीख जाता हूँ अपनी गलतियों से कि भाई रोड साइड और डोर टू डोर अलग होता है, बाकी उसकी इच्छा अनुसार है।
अब देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले अपडेट पे या फिर फाइनली कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका है अपने दोस्तों को टोटली सा बताने का कि भाई अब तो मेरा मूड हो गया सनक, क्योंकि मैं सोच रहा था चल नगे सगड़ा होती है अपने उधर की मिल जाएगी थोड़ी सी कर पाए वो चो अलग एक पॉइंट में भाई भैया मेरा तो रोज जाता है मगर रोज वाले को बुकिंग कर ले, हमने ना जाके भी 25 रुपये कमा ली। और मेन मुद्दा क्या करें भैया, मैं तुम्हारी करूँगी कंप्लेन, मगर मैडम जी खोल के करना कंप्लेन, उल्टा तुम्हारी कंप्लेन हो जाएगी अगर उन्हें पता चल गया कि तुम रोड साइड बुकिंग करके फ्लोर पर बुलाती हो। फ्लोर का रेट अलग होता है और रोड साइड का रेट अलग होता है। रोड साइड का 8 रुपये किलोमीटर होता है, ठीक है, रोड साइड का जो है 8 रुपये किलोमीटर होता है और जो फ्लोर का होता है वो 10 रुपये किलोमीटर होता है। तो कंपनी तुम्हारे पे क्लेम करेगी तुम राइडरों को बोल के ऊपर बुलाते हो, चुप हो गई भैया आप कैंसिल करते हो। मैं करूँगा कैंसिल, मना नहीं कर रहा कि नहीं करूँगा, करूँगा पहले हमारा टाइम पूरा हो, दो हम पूरा होंगे, हमारा टाइम पूरा होगा हम कैंसिल कर देंगे। कर दिया कैंसिल, 25 रुपये ले लिए। तो भाई टोटल कमाया हमने 1,625 रुपये मिला के, ठीक है, और हमारी बाइक चल गई 145 किलोमीटर। घर मिला के बोल रहा हूँ भाई, तभी मैं बता रहा हूँ कि साहब जोड़ लिया ना इसने फोटो में, ठीक है। तो 250 रुपये का पेट्रोल लग गया हमारा और उबर आने को भी 25 रुपये देने हैं, तो 278 रुपये खर्चा। हमारे पास कितना बचा, 791 रुपये, ठीक है। हमने ओला में तो 617 के करीब कमाए थे, ठीक है, और ओला में हमने 230 रुपये कमाए थे। पहली राइड ओला में उठाई थी हमने, उसके बाद फिर एक रैपिडो में मारा था भाई 219 का, इन सब को टोटल मिला गया 1,066 रुपये। अब बात करें कि हमने कितने घंटे काम किया भाई, 9 बजे से 5 बजे तक एक ऑफिस टाइम जो हम करते हैं 8 घंटे। आज 8 घंटे में तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं खाया, हलक सूर आवाज़ से ही पता चल है ना तुम तो। 8 घंटे में हमने कमाए 800 रुपये मान लो भाई, 791 तो है, 9 रुपये तो कम है ना, 9 रुपये इधर उधर कभी, जैसे भाई ने 88 की जगह 90 कर दिए थे, 2 रुपये ऐसे मान लो हो गए ना, तो 800 रुपये मान लो, 800 मुँह सूख रहा है यार, तो 800 रुपये मान लो 8 घंटे में है ना भाई। तो गलत करोगे नहीं और सही से चलोगे तो कोई माई का लान नहीं है ना जो कंप्लेन करती, ठीक है। गाइडलाइन के हिसाब से कस्टमर हम वो सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं नहीं इतने, हमें पता नहीं है, मैं तो कहीं पे भी कैसे मिलना सारा फ्लोर का ऑर्डर ना हो फ्लोर पर बुला लेंगे भाई। ये तो देख लो भाई रोड साइड है, आवाज़ तो उठाओ, देखो फिर देखो तुम्हारा क्या इनकम होता है। आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो चुपचाप गधे की तरह काम करते रहो, बस करते रहो। ऑर्डर आया, पार्सल आया, देख लिया भाई रोड साइड है भाई, आते हो नीचे तुम ही खुद ही दोगे या फिर कैंसिल करके डोर टू डोर करो, देखो रेट अपने आप। मैं इसलिए तो भाई उबर का जब भी मैं पार्सल देखता हूँ, हाँ बुजुर्ग वगैरह हो बात वैसी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करूँगा अनुसार। तो देखो ज़्यादा ना पकाते हुए ज़्यादा बोर करूँगा, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिल जा रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय। बाकी सोच के चलना भाई, देख लो।